गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमा, तो आप सभी को जुमा मुबारक। और मैं अभी नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ जुमे की नमाज़ अदा करने। और सीलू भी काफ़ी बिजी है, खाना वाना बना रही है, लंच की तैयारी कर रही है। और मैं अभी जा रहा हूँ नमाज़ अदा करने। नमाज़ अदा करने के बाद आके लंच करूँगा। अब देख सकते हो सीलू भी बिजी है किचन में बेचारी। ये देखो शरीर का भी हालत ख़राब हो रही है, इसलिए वीडियो में नहीं आ रही है। किचन में काफ़ी अंधेरा लग रहा है। तो चले गए, चलते हैं। सीलू बोल रही है मैं फ्रेश होने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो चले गए, चलते हैं। गए थे तो वहाँ से आते थे मेरे लिए सब्जी वगैरह लेने, तो साथ में मेरे लिए भुट्टा भी लेके आया। मैं उनसे काफ़ी दिनों से डिमांड कर रही थी मेरे लिए भुट्टा लेके आना, तो फाइनली मेरे लिए भुट्टा लेके आ गए। और फिर ग्रेप्स भी लेके आए, बनाना भी लेके आए, फ्रूट वगैरह सब कुछ लेके आए। देख सकते हो आप, भुट्टा खाने का तो बहुत ही मन था। तो चलिए गाइस, फिर मैं फ्रूट वगैरह को रख देती हूँ। हाय गाइस, मैं भी आ गया जुमे की नमाज़ अदा करके। अब होगी उसके बाद नमाज अदा करेगी, फिर हम लोग लंच करेंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज क्या बना है। आप देख सकते हो बना है राइस, दाल, ये लाल भाजी। और अभी सीलू आएगी तो पापड़ तलेगी, अचार है, सलाद काटेंगे। तो गाइस अभी हम करने वाले हैं लंच, और लंच में तो आज सुनो जी ने बता ही दिया है लाल भाजी, दाल और राइस एंड ये वाला यम्मी से गार्लिक पापड़, बहुत ही यम्मी लगता है। तो आप देख सकते हो गाइस हमारा लंच। तो अभी हम लंच कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आफ्टर लंच। हमारा लंच वगैरह हो चुका, और लंच करने के बाद थोड़ा सा हम आराम वगैरह करेंगे। और सोनू जी को देखिए बनाना खा रहे हैं लंच करने के बाद, वैसे अच्छा लगता है, तो मस्त लग रहा है बनाना, यम्मी यम्मी। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा स्लीप वगैरह करूँगी, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं, ऐसी नैप ले लूँगी क्योंकि फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर टाइम ही नहीं मिलता है। सिलू अभी जा रही है, 2 घंटा बिजी हो जाएगी क्योंकि बच्चे लोग आ जाएंगे, स्टूडेंट लोग, तो सिलू पढ़ाने में अभी नहीं, अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी उसके बाद। बात हाँ, और ये भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, फिर हम थोड़ा स्लीप कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हो मैं आते आते अपने लिए लेके आया हूँ पकौड़े और चटनी। सिलू जी के लिए नहीं है क्योंकि सिलू के लिए मना है ना, ये काफ़ी ऑयली रहता है, इस वजह से खाने के लिए तो मैं भी नहीं खाता हूँ, लेकिन कभी कभी बाहर जाता हूँ तो इस वजह से अपने लिए लेके आया हूँ पकौड़े। आप देख सकते हो सीलू के लिए भी नारियल पानी लेके आया हूँ, देखो पी रही है। आजकल डेली नारियल पानी पीती हूँ सीलू के लिए, खास करके सीलू को बहुत पसंद है ना, इस वजह से सीलू के लिए डेली इवनिंग में लेके आता हूँ यम्मी नारियल पानी। देखो पी रही है मैडम, पता ये पानी ख़त्म ही नहीं होता, मैं पीते पीते थक जाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत रहते हैं ना, मैं खास करके लेके आता हूँ पानी वाली। सुनो जी पानी वाला लेके आए, बहुत ही यम्मी है, तो चलो जल्दी जल्दी पी लो। चलिए गाइस, गाइस मैं भी रेडी हो गया हूँ पंठन के तैयार। सुनो जी जा रहे हैं अपने दोस्त के पार्टी में, अभी मैं जा रहा हूँ, लगभग 40 किलोमीटर दूर है मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी में। और मार्शल आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, एकदम गोरे चिट्टे, आप तो वैसे ही गोरे हो। नेचुरल ब्यूटी है सोनू जी की। और ये पूरे रेडी हो गए हैं, अभी इनको निकलना है। बताना गाइस कैसा लग रहा हूँ मैं अभी जा रहा हूँ सिलू का हेयर ऑयल करने। देख सकते हो मैडम जी बैठ के टीवी देख रही हैं। चलिए गाइस चलते हैं, पहले से हेयर ऑयल कर देते हैं सीलू का। तो गाइस आप देख सकते हो सोनू जी मेरा हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं बहुत दिनों बाद, और हेयर मसाज करा के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। पूरा बॉटल खाली मत कर देना। नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, बाल लंबे हैं ना तो बहुत सारे ऑयल लगते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है सोनू जी की। हाँ अभी इवनिंग का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं अपने पापा के घर, मतलब मेरे ससुराल घूमने। और मैं अजीब वाली गाउन पहन ली, देख सकते हो सिलू का लुक। तो अभी हम लोग सोच रहे थे घर में क्या करें, थोड़ा सा घूम भी लेंगे पापा के यहाँ से, तो आ जाते हैं घूम के वहाँ से। हाँ तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने पापा से मिलने, और साथ में सिलू अपनी ननद से मिलने। हाँ ननद से भी मिल लूँगी, थोड़ा सा मस्ती वगैरह कर लेंगे। तो चलिए गाइस वहाँ चलते हैं, फिर आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं, वहाँ जो भी हम करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है गाइस, तो हम आ गए हैं पापा जी के यहाँ, और ये है मेरे भांजा, वो मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, देख सकते हो
और हम बहुत मस्ती कर रहे हैं और हम डिनर वगैरह कर रहे हैं यहाँ से। अरे खाते हो तुम लोग पागल हो क्या? हाँ हाँ बोल बोल मैं नीड खोल दे और आगे 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 सुनाओ। मैं नीड खोल दे हाँ बोल बोल मैं नीड खोल दे मैं नीड कौन ये पुष्पा का सुनाएगा पुष्पा का डायलॉग सुनाएगा सुना दो जल्दी सुना दो